बीजेपी लीडर सरूप चंद सिंगला नूं धमकी। धमकी तो बाद वधाई गई सुरक्षा। बीजेपी लीडर सरूप चंद सिंगला नूं धमकी मिलन तो बाद उन्हां दी सुरक्षा वधा दित्ती गई है। व्हाट्सएप कॉल जरिए सिंगला नूं धमकाया गया कि जेकर 22 जनवरी नूं होण वाली बीजेपी दी मीटिंग च शामिल होए तां चंगा नहीं होवेगा। धमकी देने वाले नूं सिंगला दी गड्डी नंबर तो लैके भी पता है कि उन्हां दे नाल किन्ने गनमैन ते बॉडीगार्ड चलदे ने। दो बार पहलां भी इसे नंबर तो सिंगला नूं धमकाया जा चुक्या। बार बार मिल रही धमकियां तो बाद सिंगला दी सुरक्षा च वादा कीता गया। मीटिंग दा पता सी, मेरी गड्डी दा पता सीगा, सारा कुछ नंबर दा मैनूं पता सी। दा सेम ही है या बदल के आउंदी? सेम नंबर, सेम आदमी। किन्नी बार फोन कर चुका? मैनूं दो जी। मिस्टर सरूप सिंगला, इन्हों नूं धमकी आई सी, उन्होंने प्रॉपर सिक्योरिटी दे दी गई है। जिहड़ी कॉल तो थ्रैट आई सी, वो वी आर प्रूविंग दैट। नंबर फॉरन का सीगा, बट वी आर एवैल्यूएटिंग दैट, इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। थोड़ा टाइम दो, जरूर विल गेट बैक ऑन। साबका विधायक नूं धमकी मिलन तो बाद मान सरकार एक बार मुड़ विरोधियों के निशाने ते है। पंजाब के अंदर लगातार उद्योगपतियों नूं, व्यापारियों नूं, डॉक्टर्स नूं, टीचर्स नूं, पॉलिटिशियंस नूं रंगदारी दी धमकियां आ रही हैं। हुण भारतीय जनता पार्टी के लीडर सरूप सिंगले नूं धमकी आई है। भगवंत मान साहब, पंजाब दी लॉ एंड ऑर्डर दे उत्ते ध्यान दिओ। पंजाब दे अंदर एक भय दा वातावरण खड़ा हो गया, लोग डरे फिरदे ने। पंजाब दे अंदर लॉ एंड ऑर्डर जीरो लैवल ते पहुँच चुका है, पर भगवंत मान दी सरकार दे उत्ते कोई असर नहीं। गैंगस्टर सरेआम पैसे भी मंगे रहे, सरेआम कतल भी कर रहे, और गनमैन जिन्हों को लोगे उन्हें भी कतल कर रहे। कि पंजाब दे विच जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ बड़ी गंभीर आ और बड़ी चिंताजनक आ, और मैं कह सकता कि अज पंजाबी जड़े ने वो एक मतलब खौफ दी हालात में जी रहे हैं, क्योंकि कानून की कोई चीज़ है नहीं, सरकार जड़ी है वो हवा च ही आ। पर सरकार दे नुमाइंदियां नूं विरोधियां दे सवाल सियासत जाप रहे ने। सूबे च कानून व्यवस्था दुरुस्त होण दा दम भरिया जा रहा है। इन्हां दे टाइम दे विच भी ये सारा कुछ चलता रहा, अगर साढ़े टाइम च इहो जिहा कुछ नहीं। साढ़े टाइम च कितें गुंडागर्दी नहीं हुंदी, कितें गैंगस्टरवार नूं वाधा नहीं दिता जांदा। साडी सरकार सख्त है, एवें बिना वजह बेतुकियां हवाई फेयर करने मैनूं तां गल अच्छी नहीं लगी। सरूप चंद सिंगला 2007 च अकाली दल च शामिल होए सन। 2012 च बठिंडा शहरी दो विधायक चुने गए, हालांकि 2017 दे विच उन्हां नूं हार दा सामना करना पिया सी। 16 मार्च 2022 नूं सरूप चंद सिंगला ने अकाली दल छड्ड दित्ता सी। 4 जून 2022 नूं उन्हां ने बीजेपी ज्वाइन कीती सी। सरूप चंद सिंगला बठिंडा दे नामी बिजनेसमैन भी ने। धमकी देने वाले दी पुलिस जांच कर रही है, पर साबका विधायक नूं धमकी मिलन तो बाद विरोधी एक बार मुड़ लॉ एंड ऑर्डर दे मसले ते सरकार नूं सवाल कर रहे ने।